हे एवरी वन, दिस इज़ अंजलि। वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। गाइज, आज हम DSSSP पैडागॉजी की सेकेंड क्लास में पढ़ने वाले हैं। जो टॉपिक है वो है प्रारंभिक कक्षाओं के संदर्भ में कार्य शिक्षा के लिए सामग्री का चयन एवं संयोजन, सिलेक्शन एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ मटेरियल फॉर वर्क एजुकेशन इन रेफरेंस टू एलिमेंट्री एजुकेशन। तो ये क्लास सेकेंड होगी। ऑलरेडी मैंने फर्स्ट क्लास में आपको जो भी एक्टिविटी बेस्ड आपकी एजुकेशन होती है, यानी वर्क एजुकेशन जिसे कहते हैं, वो हमने डिस्कस किया था। तो वो क्लास अगर आपने नहीं देखी है तो फर्स्ट क्लास जरूर देखिए, तभी आप सेकेंड क्लास आपको समझ आएगी। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसमें ये है कि जो भी आप क्लास में एक्टिविटी करा रहे हैं जिसमें बच्चा एक्टिव रहता है, और जो भी आप एक्टिविटी करा रहे हैं उसमें जो मटेरियल का सिलेक्शन है, मतलब वो कैसे करना है, मतलब आप बच्चों को बोलेंगे किस टाइप का सामान लेके आना है, तो ये चीज़ें हैं। तो देखिए, अगर आप कोई भी एक्टिविटी या किसी सब्जेक्ट से रिलेटेड कुछ करा रहे हैं तो आपको पहले एज अ टीचर ये सोचना है कि आप बच्चों को ज़बरदस्ती नहीं करेंगे कि सॉरी, वो बैकग्राउंड साउंड थोड़ा ज़्यादा लाउड हो गया था। तो आप बच्चों को फोर्स नहीं करेंगे कि आप ये मार्केट से ये चीज़ें अगर इतनी महंगी हैं तो उसको लेके आओ। बिकॉज देखिए, बच्चे अलग अलग बैकग्राउंड से, अगर आप प्राइमरी लेवल की बात कर रहे हैं तो बच्चे अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं, और हो सकता है इकोनॉमिक कंडीशन उनकी उतनी अच्छी ना हो, मतलब आर्थिक स्थिति अच्छी ना हो, और वो इतना बजट नहीं बना सकते कि इतनी चीज़ें खरीद के लाएँ। ओके, तो कंटिन्यू करते हैं। थोड़ी सी डिस्टर्बेंस हो जाती है वीडियो बनाने में। तो जैसे कि आपको बताया मैंने कि आप बच्चे को फोर्स नहीं कर सकते कि आप मार्केट से इतनी कॉस्टली चीज़ें लेके आएँ, क्योंकि सबकी इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी नहीं होती। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है कि आप बच्चे को फोर्स नहीं करेंगे, ठीक है, कोई भी एक्टिविटीज़ कराते हैं, पर ऐसा कोई सोचता नहीं है। इवन सभी प्राइवेट स्कूल्स हैं, प्राइवेट स्कूल्स में तो ये होता ही है कि बच्चों को फोर्स किया जाता है, ये सामान आप मार्केट से खरीदो चाहे वो कितना भी महंगा हो। तो ये ध्यान आपको देना है अगर आप टीचर बन रहे हो। तो एज अ टीचर आपको ये देखना है कि जो भी रिसोर्सेज हैं, जो भी एक्टिविटी में चीज़ें लग रही है, वो आप या तो स्कूल से प्रोवाइड कर सकते हो, या फिर जो कम्युनिटी होती है, जो आपका जो आसपास के लोग होते हैं जो सपोर्ट करते हैं, जैसे SMC आपको पता ही होगा, इन लोगों की मदद से वो सामान को इकट्ठा करवाएं, यानी बच्चों को फोर्स ना करें और बच्चों को अवेलेबल कराएं। तो जब भी आप कोई भी एक्टिविटीज़ करवा रहे हो तो जो मटेरियल होना चाहिए वो ऐसा ध्यान देना चाहिए कि वो प्रकृति में सरलता से उपलब्ध हो, मतलब सरलतापूर्वक उपलब्ध हो। सो बेसिकली आपको ध्यान देना है कि जो भी चीज़ें आप बच्चों से कह रहे हैं वो नेचर में ईजिली मिल जाए, अवेलेबल हो, और जो भी वेस्ट मटेरियल है उसका यूज़ करने के लिए कहें एक्टिविटीज़ जब करा रहे हैं, और वो लो कॉस्ट वाली मटेरियल हो, मतलब सस्ता हो, ज़्यादा महंगा ना हो। तो जैसे नेचर से जो चीज़ें हमें प्राप्त होती है उसमें हम क्या क्या यूज कर सकते हैं एक्टिविटी कराने में, जैसे प्लांट्स हो गए, प्लांट्स बैम्बू हो गया, लीव्स वगैरह का यूज करते दे सकते हैं, सीड्स का यूज कर सकते हैं, फ्रूट और ट्री स्टेम, जूट, हार्ड सेल, कोकोनट ऑफ हार्ड सेल ऑफ कोकोनट, वाटर, ग्लू, स्टोन्स, पत्थर यूज़ कर सकते हैं, नीम के लीव्स यूज़ कर सकते हैं, जो कि हमें नेचर से मिलता है और इजीली अवेलेबल होता है। वेस्ट मटेरियल में आपके घर में बहुत सारे वेस्ट मटेरियल होते हैं जिनका आप एक्टिविटी कराने में कर सकते हैं यूज़। पहला तो एम्प्टी बॉक्सेस होती है, जो कार्डबोर्ड बॉक्सेस होती है उसका यूज़ कर सकते हो, जैसे आपके घर में सूज आया, या फिर कोई TV का बॉक्स हो गया, फोम का यूज कर सकते हो, मैच बॉक्सेस जो माचिस की तिल्लियाँ होती हैं, न्यूज़पेपर हो गया, मैगजीन हो गया ओल्ड, जो कि ओल्ड हो, प्लास्टिक कप्स हो गए जो यूज़ नहीं होते हैं, थ्रेड का, धागे का, झाड़ू का यूज़ कर सकते हो, और जो भी ओल्ड बास्केट है उसका यूज़ कर सकते हो एज ए मटेरियल, ठीक है, जो कि ईजिली अवेलेबल हो। लो कॉस्ट वाले मटेरियल में आप बच्चों को परचेस करने के लिए कह सकते हो, जैसे सीजर, कैंची हो गया, चाकू हो गया, स्केल हो गया, टेप, नाइफ, ये सब कर सकते हो, ग्लू कह सकते हो, कैंडल, क्लॉथ और इंची टेप कह सकते हो, ब्रशेस हो सकती है, पेपर हो सकती है, डिफरेंट कलर के पेपर्स हो सकते हैं, वायर और रबर, वुडन पीसेस भी कह सकते हो, और कलर्स एक्सेट्रा। तो ये बेसिक नीड है, ये चीज़ें आप बच्चों को करा सकते हो लाने के लिए। नोट, ये ध्यान देना है कि यदि बच्चों में से इस प्रकार की सामग्री को ढूंढकर विद्यालय में इकट्ठा करने के लिए कहा जाए तो वे ये काम बड़े उत्साह से करेंगे। अगर बच्चों से ही कहा जाए ये चीज़ें घर से कलेक्ट करके लाएं तो बच्चे बहुत अच्छी, मतलब इंटरेस्ट लेंगे इस चीज़ को काम करने में, और इससे जो बच्चे हैं, बच्चों में उत्साह बढ़ेगा, और इससे बच्चों में पॉजिटिव सकारात्मक जो बातों का विकास भी होगा, बच्चों में जो पॉजिटिव एटीट्यूड्स है वो डेवलप होगा। तो इसमें क्या क्या डेवलप होगा, पहले तो वो साइंटिफिक बनेंगे। साइंटिफिक कैसे बनेंगे, वो चीज़ों को ढूंढ के ला रहे हैं, ठीक है, और उसके बाद वो
उन चीज़ों को व्यवस्थित तरीके से रखने का भी सीखेंगे कि किस तरीके से ऑर्गेनाइज किया जाता है। और ये जो अवलोकन क्षमता है, जब ढूंढ ढूंढ के लाएंगे ना, तो उनमें ऑब्जर्व करने की जो भी सराउंडिंग में चीज़ें हैं, आसपास की चीज़ें हैं, वो ऑब्जर्व भी करेंगे। आप ये आपको ध्यान देने देना है कि आप जब भी कोई एक्टिविटी कराएं, उससे क्या क्या चीज़ें बनती हैं वो आप खुद नहीं बताएं। आप बच्चों से ही पूछें कि वो क्या क्या सामग्री, मतलब ये जो सामग्री उन्होंने इकट्ठा करके लाए हैं वो क्या क्या बना सकते हैं, ठीक है। तो बच्चे अलग अलग आंसर देंगे, तो इससे पता चलेगा कि एक एक सामग्री से हम एक वस्तु से कई चीज़ें बना सकते हैं, तो अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू होगा बच्चों का। और फिर ये आप ध्यान दें कि बच्चों से ये चर्चा कर सकते हैं कि जो सामग्री है उनको कहाँ से मिला, इसका स्रोत क्या है और इसका उपयोग क्या है, तो इन पर भी बातचीत की जा सकती है। और जब इससे जुड़े चीज़ों पर हम बात करेंगे तो ऑब्वियसली इन्वायरमेंट जो इशूज हैं, जो पर्यावरण अध्ययन संबंधित और विज्ञान संबंधित चैलेंजेस हैं, मुद्दे हैं, वो हम डिस्कस कर सकते हैं। साथ ही एक सामग्री की कई विकल्पों का भी जानकारी हो सकती है कि एक सामग्री से क्या क्या बनाई जा सकती हैं, ये चीज़ें हमें पता चल सकती हैं अगर बच्चों से हम पूछेंगे। ओके, नेक्स्ट है स्टोरेज एंड मैनेजमेंट ऑफ मटेरियल एंड टूल्स। जो भी हमने सामग्री और इकट्ठा करवाए बच्चे से, उसको रखना कैसे है, उसका भंडारण कैसा, उसको प्रबंधन कैसे करना है। तो विद्यालय में सबसे पहले तो जरूरी है कि कार्य शिक्षा के अंतर्गत मंगवाए गए उपकरणों, जो भी टूल्स हैं, उनकी एक लिस्ट बनाई जाए, जिस और स्टॉक रजिस्टर में उसके दिए गए कॉलमों के अनुसार प्रविष्टियाँ भरें, मतलब जो भी कॉलम दिया गया उसको फिल करें स्टॉक रजिस्टर में, ठीक है। और प्रबंधन के लिए केवल इतना ही पर्याप्त नहीं है कि आप नीचे लिखे बिंदुओं को भी ध्यान दे सकते हैं, बस इतना ही नहीं है कि आप उसको स्टॉक रजिस्टर में लिखे, उसका प्रबंधन कैसे करेंगे उसके लिए आप ये जो पॉइंट्स दिए गए हैं उसको एक बार पढ़ लेते हैं। आवश्यकता अनुसार उपकरणों व सामग्री की उपलब्धता सुलभ बनाएं, मतलब जब भी कोई सब्जेक्ट आप पढ़ा रहे हो अगर उसमें कोई भी नीड है एक्टिविटी बेस्ड, तो वो बच्चों को उपलब्ध कराएं। यह सुलभ बनाने से तात्पर्य है कि उपकरणों व सामग्री के उपयोग में संकोच ना करें। संकोच का मतलब आप ये ना हो कि उसको बस स्टोर करके रख दिया, हेजिटेट करें कि उसका यूज़ करें या ना करें। तो ऐसा देखा गया कि बहुत विद्यालय में सामान तो लेके आया जाता है एक्टिविटीज़ के लिए, लेकिन वो टूट ना जाए इसके लिए वो लोग बच्चों को देते ही नहीं है, यानी प्रेजेंट करते ही नहीं है बच्चों के सामने, तो बिना यूज़ के तो वो बेकार ही हो जाता है रखे रखे। तो ये नहीं करना है आपको, हेजिटेशन नहीं होना चाहिए कि उसका प्रयोग करें या नहीं, टूटने के डर से आप प्रयोग नहीं करेंगे तो ये गलत होगा। नेक्स्ट है, जब भी प्रयोग के लिए विद्यार्थियों को दिए जाए तो उनका सावधानी उपयोग किए जाने से संबंधित मुख्य बिंदु बतलाए जाए। अब ये जो भी आप टूल्स यूज़ कर रहे हो, जो भी एक्टिविटीज़ के लिए वो बच्चों के सामने लेके जा रहे हो, तो बच्चों को जो भी प्रिकॉशंस हैं, सावधानियां हैं, इसका प्रयोग कैसे करते हैं, ये सब चीज़ें बताएं ताकि वो टूटे ना, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे, नेक्स्ट पॉइंट आपको ध्यान देना है, और नेक्स्ट अगर पॉइंट बात करें तो उपयोग के बाद कॉटन या कोल्ड, जो भी कोल्ड कॉटन क्लॉथ्स होते हैं उनसे पोंछ कर उसको फिर वापस रखा भी जाए, ये सॉरी कोल्ड है ना, मैं भी वही सोच रही हूँ कोल्ड कहाँ से हो जाएगा। हाँ, जो भी पुराने कॉटन के कपड़े हैं और कॉटन है, रुइयाँ हैं, उससे पोंछ के फिर उस टूल्स को रख दीजिए, ठीक है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू टेक केयर ऑफ प्लेस फॉर स्टोरिंग मटीरियल एंड टूल्स। अब ये भी इम्पॉर्टेंट है कि जिस चीज़ को आप, मतलब जो टूल्स है, मटीरियल्स है, उसको स्टोर कर रहे हैं, वो जगह भी कैसी होनी चाहिए, तो आपको ये ध्यान देना है कि वो क्लीन होना चाहिए। जैसे मान लीजिए अलमीरा रख रहे हो बॉक्सेस में, टेबल में, एक्सेट्रा, जहाँ भी आप उसको स्टोर कर रहे हो सामान को, तो ये आपको ध्यान है कि वो प्लेस जो है वो गंदा ना हो, क्लीन हो, ठीक है। तो ये चीज़ें भी आपको ध्यान देनी है जब भी स्टोरेज करेंगे। फॉर सम रीज़न इफ द टूल्स आर नॉट बींग यूज, इट इज़ असेंशियल टू क्लीन देम टाइम टू टाइम। अगर वो टूल्स यूज़ नहीं हो रहे, मान लीजिए उनका यूज़ नहीं हो रहा है, तो आप उसको ये भी ध्यान दें कि उसका, उसकी सफाई ज़रूरी है, ठीक है, उसको साफ करते रहें समय समय पे। और हो सकता है कि ऐसे सामान हो जिनको धूप दिखाने की भी ज़रूरत पड़े, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट है, कुछ ऐसे टूल्स होते हैं जिनको आयलिंग की भी ज़रूरत पड़ती है, तो इसको मतलब ये भी ज़रूरी है कि आप उसको ऑयलिंग करते रहें। और ये ध्यान देना है कि जो ऑयलिंग करेंगे वो अप्रोप्रिएट अमाउंट में, क्वांटिटी जो है वो सही हो, ज़्यादा ऑयलिंग की ज़रूरत ना हो तो कम ही करें, ठीक है। आमतौर पर उपकरणों के संबंध में ये भी प्रवृत्ति देखी गई है कि उनमें थोड़ी सी खराबी आने पर उन्हें बेकार बता दिया जाता है। मान लीजिए कोई टूल्स है अगर ख़राब हो गया तो उसको फेंक देते हो, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको ये इंश्योर करना चाहिए किसी विशेषज्ञ से सलाह लेकर कि उसको फेंकना है कि नहीं, या फिर उसको रिपेयरिंग करा सकते हैं, तो ये ध्यान देना है।
और ये भी हो सकता है कि आप थोड़ी बहुत अगर ब्रेकेज हो जाती है या डैमेज हो जाते हैं टूल्स में, तो आप खुद थोड़ा उसको रिपेयर करने का सीख लीजिए और बाकी बच्चों को भी सिखा दीजिए थोड़ा बहुत, ठीक है। नेक्स्ट अगर जो है ये नेक्स्ट जो टर्म दिया गया है ये है कि विभिन्न पाठ्यचर्या विषयों से जुड़ाव एवं अनुभव देने की पद्धतियाँ, मैंने मैथड्स फॉर गिविंग एक्सपीरियंसेस इन इंटर डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट। ओके, तो इसमें क्या क्या है, जैसे एक आयोग आया था तो 1964 और 1966 में एक कमीशन आया था, एक आयोग था जिसका नाम था कोठारी आयोग। तो उसमें एक ऑफिशियल एजुकेशन को लेकर ये कहा गया था कि जो भी एकेडमिक फॉर्म है उसमें बदलाव की ज़रूरत है, ठीक है। ऐसा किसमें कहा गया था, जो कोठारी आयोग आया था, तो आपने पढ़ा होगा डिटेल में। तो गांधी जी ने देखिए गांधी जी ने प्रोडक्टिव वर्क को अनिवार्य रूप से शिक्षा के माध्यम के रूप में शिक्षा प्रक्रिया में शामिल करने की बात करी थी। गांधी जी जानती हैं वो व्यवसाय से जुड़े थे, बुनियादी शिक्षा के बारे में बताया था। तो इन्होंने ऐसी शिक्षा की बात करी है जो कि उत्पादक कार्य से जुड़ा हो, प्रोडक्टिव वर्क हो, जो बच्चा की जीवन लाइफ से मतलब ऑलराउंड डेवलपमेंट से जुड़ा हो। तो इनके अकॉर्डिंग, गांधी जी के अकॉर्डिंग टू हिम ऑल द सब्जेक्ट लाइक अरिथमेटिक, साइंस, एनवायरमेंट, हिस्ट्री, जोग्राफी एंड सिविक्स शुड बी टॉट थ्रू द कारपेंट्री, मैसनरी, कल्टिवेशन, प्रिंटिंग एंड अदर प्रोडक्टिव वर्क। तो जो भी ये सब्जेक्ट पढ़ाए जा रहे हैं इनका रियल लाइफ से जोड़ना ही, जैसे कि उसको कृषि से जोड़िए, अगर आप ज्योग्राफी पढ़ा रहे हो तो उसको कृषि से जोड़िए, मतलब रियल लाइफ से जोड़िए, आपको कारपेंट्री से जोड़िए, जो मिट्टी के बर्तन बनाए जाते हैं, लकड़ी के चीज़ें बनाई जाती हैं, मैसनरी से जोड़िए, अदर प्रोडक्टिव वर्क लाइक मैसनरी से, और फिर या आप कल्टिवेशन से, प्रिंटिंग से जोड़ना है अकॉर्डिंग टू गांधी जी। गांधी जी के अकॉर्डिंग कि जो भी हम सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, चाहे वो मैथ्स हो, साइंस हो, इन्वायरमेंट हो, उसको लाइफ के जो एक्टिविटीज़ होती है लाइक कारपेंट्री, मशीनरी, कल्टीवेशन, उससे जोड़ना होता है। गांधी जी का एक स्टेटमेंट है, वो भी नोट डाउन कर लिया, कि हमारा उद्देश्य है कि व्यवसाय और हस्तकारी के साथ साथ व्यक्ति जो इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट होता है, बौद्धिक विकास भी होना चाहिए। व्यक्ति का मतलब व्यक्ति का बौद्धिक जो भी इंडिविजुअल है उसका इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट भी होना चाहिए, ठीक है। इसलिए मेरा कहना है कि सिर्फ व्यवस्था और हस्तकारी जो भी हैंडीक्राफ्ट चीज़ें होती हैं सिखाने की जगह बच्चों को पूरी शिक्षा ही उसके माध्यम से देनी चाहिए, जिसमें बच्चा बहुत एक्टिव हो, मतलब लर्निंग बाय डूइंग आप समझ सकते हो। तो उसी तरीके से इन्होंने बोला है, जहाँ पे बच्चा ये चीज़ें भी व्यवसायिक वाला चीज़ें, प्रोफेशनल चीज़ें भी सीखे, तो उससे जोड़ना इन्होंने कहा था, और ऐसा स्टेटमेंट उनका है। मान लीजिए उदाहरण दिया है इन्होंने कि स्पिनिंग निडल यानी जो तकली होती है, जो धागा बनाया जाता है, सूत काटा जाता है, को उसका उदाहरण लिया है इन्होंने। तो अगर पूछ रहे हैं व्हाट विल दे लर्न थ्रू स्पिनिंग नीडल, तो ये जो तकली है उससे बच्चे क्या सीखेंगे, दे विल बी एबल टू नो अबाउट द हिस्ट्री ऑफ थ्रेड, वो सूत के बारे में जानेंगे, जो धागा है उसके बारे में जानेंगे, ब्रिटिशर के बारे में जानेंगे, और ये भी जानेंगे जो स्पिनिंग नीडल है, जो तकली है, वो कैसे काम करती है और इसका यूज़ क्या है, इसको क्यों यूज़ कर रहे हैं, इसमें कौन से पावर का यूज़ हो रहा है, कौन सी शक्ति का प्रयोग हो रहा है, और ये सब चीज़ें कैसे जानेंगे, जब बच्चे उस पर काम करेंगे, बच्चे सीखते सीखते ही जानेंगे, और इससे वो मैथमेटिक्स भी जानेंगे, जब हम उनसे पूछेंगे कि आपने कितनी बार धागे को रोल किया है, या फिर स्पिनिंग निडल में आपने कितनी बार स्पिनिंग निडल है उसको घुमाया है, तो इससे मैथमेटिक्स भी बढ़ रहा है ना, मैथ्स भी सीख रहे हैं बच्चे, इससे मैथ की भी स्किल सीख रहे हैं, और बाकी उनको हिस्ट्री का भी नॉलेज हो रहा है, और इस पे बच्चों पे ज़्यादा बोझ नहीं होता, मेंटली बच्चों पे कोई बोझ नहीं होता है कि बच्चे, हाँ प्रेशर डाला जाता है, बच्चे करते करते सीखते हैं, ऐसा इन्होंने गांधी जी ने कहा था। तो गांधी जी के मतलब गांधी जी का एक लेक्चर है, गांधी जी ने एक स्टेटमेंट दिया था जब वो कॉन्फ्रेंस हुआ था ना वर्धा में 1937 में, तो उसी का एक पोर्सन यहाँ पे छोटा सा बताया गया, पूरा तो नहीं है लेकिन छोटा सा पोर्सन बताया गया है। इसमें एक स्टेटमेंट उन्होंने दिया था, थ्रू गांधी जी स्टेटमेंट इट इज़ माइट बी क्लियर टू यू दैट एक्टिविटीज रिलेटेड टू वर्क एजुकेशन शुड बी ऑर्गेनाइज एंड कन्वेड बाय कोरिलेटिंग विद द अदर सब्जेक्ट and instead of organizing it separately। तो
इनका एक स्टेटमेंट आपने देख लिया कि इसमें ये कहा गया था कि जो भी एक्टिविटीज़ रिलेटेड हैं वर्क एजुकेशन सी वो ऑर्गेनाइज की जाएंगी, कन्वेंट की जाएंगी कैसे, बाय को रिलेटिंग विद द अदर सब्जेक्ट इंस्टेड ऑफ ऑर्गेनाइजिंग इट सेपरेटली। तो जो भी चीज़ें आप एक्टिविटीज़ करा रहे हो वो एक ही सब्जेक्ट से रिलेटेड नहीं होनी चाहिए, वो अदर अदर सब्जेक्ट से भी रिलेटेड होनी चाहिए। ये नहीं है कि उसको एकदम अलग तरीके से बनाया जाए या ऑर्गेनाइज किया जाए। तो इनके अकॉर्डिंग, गांधी जी के अकॉर्डिंग यही था। तो उन्होंने भिन्न भिन्न विषयों से वर्क एजुकेशन संबंधित गतिविधियों को जुड़ा करने के संदर्भ में कुछ सुझाव भी दिए थे। तो ये जो है लैंग्वेज, पहला तो लैंग्वेज से संबंधित है यानी भाषा संबंधित है। तो किए गए कार्य के संबंध में लिखित अभिव्यक्ति होना चाहिए, उचित शब्द एवं सफल वाक्यों का प्रयोग होना चाहिए, प्रेजेंटेशन ऑफ आइडियाज इन ऑर्गेनाइज्ड मैनर सजेस्टिंग अट्रैक्टिव एंड मीनिंगफुल टाइटल फॉर कम्युनिकेशन। जो भी शीर्षक ले रहे हो वो कम्युनिकेशन के लिए, मतलब वो क्या होना चाहिए, अट्रैक्टिव होना चाहिए, मीनिंगफुल होना चाहिए। प्रिपेयरिंग रिपोर्ट इन शॉर्ट एंड सिंपल सेंटेंसेज में बनाना चाहिए, राइटिंग एक्सपीरियंसेस कोहेरेंटली और इनरिचमेंट ऑफ वोकैबुलरी, जो शब्द है उनका भंडार होना चाहिए, यूजेस ऑफ इडियम्स मुहावरे का यूज करना चाहिए, यूज ऑफ ग्रामर इन कॉन्टेक्स्ट, जो भी आपने पढ़ा होगा ग्रामर को कॉन्टेक्स्ट में पढ़ाया जाए, मतलब रियल लाइफ से जोड़ के पढ़ाया जाए। तो ये बातें हैं अगर आप लैंग्वेज पढ़ा रहे हैं। गणित के बारे में इन्होंने क्या कहा था, दो एक्टिविटीज रिलेटेड टू वर्क एजुकेशन आर हेल्पफुल इन गिविंग नॉलेज अबाउट द मैथमेटिक्स। तो जो भी हम एक्टिविटीज मैथ से रिलेटेड करा रहे हैं वो बच्चों को नॉलेज दे, मतलब वो उससे बेनिफिट हो। जैसे कि मान लीजिए सैंपट की पुताई करते समय कई तथ्यों पर ध्यान देना चाहिए, जैसे कि क्या है, आप ध्यान दें कि क्षेत्र, उसकी लंबाई चौड़ाई और उसके अनुसार आप जो भी आप मटेरियल यूज़ कर रहे हो उसकी लागत भी आपको देनी है, समय का अनुमान भी देखना है और मानवीय ऊर्जा और श्रम की खपत भी देखनी है अगर ये आप करा रहे हो। तरह तरह के आप ज्योमेट्रिकल सेप जो होते हैं, ज्यामिति आकृतियों का ज्ञान कराना होता है, कैलकुलेटिंग द प्राइस ऑफ ऑब्जेक्ट आफ्टर मेकिंग इट, स्किल टू मेजर यानी मापन करने का स्किल अगर आप करा रहे हो, तो ये एक्टिविटीज से बच्चों में ये चीज़ें डेवलप होगी। नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ नंबर, संख्याओं का समझ होगी, ज्ञान होगा, अंडरस्टैंडिंग मेजरमेंट यूनिट्स एंड टू बी एबल टू कन्वर्ट इच अदर। तो जो भी यूनिट है, जो इकाइयाँ हैं उसको कन्वर्ट करना, जैसे सेंटीमीटर को मीटर में, ये सब चीज़ें बच्चों को सीखने को मिलेगा। इंट्रोडक्शन ऑफ कंसेप्ट लाइक इंटरेस्ट प्रिंसिपल अमाउंट, ये सब चीज़ें आप अगर इंट्रोड्यूस कर रहे हो तो ये एक्टिविटीज़ किससे जुड़ी होती हैं, जो कि मैथ से जुड़ी होती हैं। पर्यावरण अध्ययन एवं सामाजिक ज्ञान इतिहास आदि, तो इन्वायरमेंटल स्टडीज़, सोशल साइंस, हिस्ट्री में किस तरीके से एक्टिविटीज़ बेनिफिशियल होता है वो देख लीजिए, और किस तरीके से उसका मतलब आसपास के जो सराउंडिंग है उससे उसका लगाव होता है। तो कार्य शिक्षा के अंतर्गत करवाई जाने वाली गतिविधियाँ बहुत से सामाजिक, सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक विषयों के प्रति सूक्ष्म और गहन समझ बनाती है। यहाँ सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियाँ कराई जाती है, जो विद्यालय में एनुअल फंक्शन होता है या फिर इंडिपेंडेंस डे पे, तो उससे बच्चे बहुत कुछ सीखते हैं। तो इसमें क्या होता है कि कृषि कार्य से संलग्न लोगों का रहन सहन पता चलता है, अगर इन्वायरमेंट में जो एक्टिविटी करा रहे हो, चाहे फील्ड ट्रिप करा रहे हो, आवश्यकता वो आपूर्ति से संबंध होता है, उद्योग और पर्यावरण से संबंध होना चाहिए, वस्तुओं के निर्माण में श्रम का महत्व होना चाहिए, मूल्यों का निर्धारण भी आपका ये इस सब्जेक्ट से होना चाहिए, जाति एवं श्रम का महत्व पता चलिए, मूल्यों का निर्धारण और जाति एवं श्रम, सेम ही रिपीट हो रहा है। ओके, नेक्स्ट अगर जो देखेंगे हम यहाँ पे कार्य शिक्षा संबंधित गतिविधियों के लिए सीखने सिखाने की पद्धतियाँ, जो मेथड्स यूज की जाती है बच्चों को सिखाने के लिए, वो क्या क्या हो सकती है, मतलब वर्क एजुकेशन से, एक्टिविटीज से जुड़े हुए जो, तो टीचिंग लर्निंग मेथड रिलेटेड टू वर्क एजुकेशन। तो कार्य शिक्षा के अंतर्गत बच्चों को हाथ से काम करने के अवसर दिए जाते हैं, जब तक वे अपने हाथों से किसी कार्य को नहीं करेंगे तब तक उस कार्य में वो जुड़ाव अनुभव नहीं प्राप्त, मतलब उससे कार्य से जुड़ा अनुभव प्राप्त नहीं कर पाएंगे। देखिए बच्चा जब तक करके सीखता है, लर्निंग बाय डूइंग आपने पढ़ा है, तो जब तक उस एक्टिविटीज़ में बच्चा खुद इन्वॉल्व नहीं होता, अपने हाथों से चीज़ें नहीं करता है, तब तक वो कुछ अनुभव नहीं पाएगा। तो ये कुछ मेथड दिए गए हैं जो वर्क एजुकेशन से जुड़े हैं। पहला तो ऑब्जर्वेशन, आप सभी ने सुना ही होगा, ऑब्जर्वेशन, अवलोकन, निरीक्षण, ये सब आपने यूपीटेट सीटेट में पढ़ाई है। तो इसमें क्या होता है, इसमें चाइल्ड है, जैसे बच्चा है उसमें खोज करने की प्रवृत्ति होती है, वो बहुत क्यूरियोसिटी होती है उसमें जानने की, अपने प्रकृति के बारे में जिज्ञासा होता है, तो वो अपने आसपास के घट रही घटनाओं को जानने के बारे में, उनकी आंखों में कौतूहल जो होती है ना, क्यूरियोसिटी जो होती है वो चमकती रहती है कि हाँ उसको जानना है उसके आसपास चीज़ें क्या हो रही है। छोटे बच्चे होते हैं तो एक साइंटिस्ट होते हैं समझ लीजिए, तो दे फील दे शुड नो ऑल, उनको ऐसा लगता है कि वो सब कुछ जान रहे हैं जितने आसपास चीज़ें हो रही हैं। तो कार्य शिक्षा की ऑब्जर्वेशन मेथड उनकी इसी खोज प्रवृत्ति पर ही आधारित होती है, क्योंकि बच्चों में
खोजने खोज करने की प्रवृत्ति होती है, तो इसी पे ये आधारित होती है ऑब्जर्वेशन मेथड। ठीक है, इस विधि में प्रयोग हम इस विधि का प्रयोग हम दो प्रकार से कर सकते हैं। जैसे कि ऑब्जर्वेशन आप कैसे करा सकते हैं, या तो विद्यार्थियों को किसी घटना या वस्तु अथवा सामाजिक सांस्कृतिक परिघटनाओं का अवलोकन करने के लिए कहना और उसके आधार पर अपने ज्ञान व समझ को वृद्धि करने के लिए कह सकते हो। जो सामाजिक सांस्कृतिक कार्यक्रम जो विद्यालय में आयोजित किया जाता है उसका बच्चों को दिखा सकते हो और बच्चे सीखेंगे, अपनी समझ विकसित करेंगे। और दे कैन गेन एक्सपीरियंस बाई ऑब्जर्विंग इकोनॉमिक एक्टिविटीज इन सोशल इन्वायरमेंट एंड वर्क प्लेसेस पे एंड वर्क प्लेसेस, तो जो भी इकोनॉमिक कंडीशन उसके बारे में भी जान सकते हैं बच्चे उसको ऑब्जर्व करके, जो भी स्कूल में एक्टिविटीज़ कराई जाएंगी। नेक्स्ट है प्रदर्शन विधि, यानी डेमोन्स्ट्रेशन मेथड में क्या यूज मेथड क्या होता है, जो कुछ भी करता हुआ देखता है बच्चा, अर्थात जो कुछ भी प्रदर्शित किया जा रहा है सीखने का प्रयास करता है बच्चा। क्या होता है, आपने बंडूरा का पढ़ा होगा, तो उसी में बच्चा जो चीज़ आसपास देखता है उसको कॉपी करता है, मतलब कॉपी एंड सेंस, उस जैसा आप दिखाओगे बच्चा वैसा ही फॉलो करेगा। तो वो चीज़ें इसमें कही है कि प्रदर्शन विधि होती है। तो वर्क एजुकेशन की यह पद्धति जो होती है, ये जो टीचिंग मैगजीन्स होता है, शिक्षण सूत्र होता है, ये जर्नल टू स्पेसिफिक पे काम करती है। पहले आप जर्नल चीज़ें दें, जर्नल एग्जांपल दें, उसके बाद स्पेसिफिक की तरफ जाते हैं। इसमें स्टेप्स क्या होती है, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड की स्टेप्स क्या होती है ये एक बार आप जान लीजिए। डेमोन्स्ट्रेशन में प्रदर्शन विधि में पहले तो इसमें आपको ये पॉइंट याद करना है कि नियमों का कार्य प्रक्रिया सहित प्रस्तुतिकरण हो, मतलब डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ प्रोसीजर विद रूल्स। ठीक है, जो भी आप प्रक्रिया बता रहे हैं उसका रूल्स के साथ प्रदर्शन प्रदर्शन करें। ठीक है, द रूल्स विच आर डिस्क्राइब आर एनालाइज्ड लॉजिकली एंड दे आर प्रेजेंटेड इन अ प्रॉपर सीक्वेंस अकॉर्डिंग टू द मेंटल एबिलिटी ऑफ द स्टूडेंट। तो जो बच्चे हैं उनकी मेंटल एबिलिटी को जानते हुए जो भी आपने रूल्स बनाए हैं उसको पहले विश्लेषण करिए, एनालाइज करिए तर्कपूर्वक, उसके बाद उसको प्रॉपर सिक्वेंस में प्रेजेंट करिए बच्चों के साथ और बच्चों की मेंटल एबिलिटी को ध्यान में रख के। ठीक है, नेक्स्ट है कार प्रक्रिया से जुड़े नियमों के अंदर संबंध निरूपण है। जो भी रूल्स है उसमें जो भी रूल्स है प्रक्रिया के उसमें नियम मतलब संबंध होना चाहिए, एक दूसरे से जुड़े होने चाहिए। तो आफ्टर प्रेजेंटिंग रूल्स लॉजिकल रिलेशनशिप इज स्टेबलाइज्ड इन देम, दिस कैन ऑल्सो बी कॉल्ड द प्रोसेस ऑफ एनालाइजिंग। तो एनालाइज करना, उसमें संबंध स्थापित करना, एग्जाम्पल के लिए समझिए, दिस इज द स्टेप इज एसेंशियल फॉर लॉजिकल मैथड। ये देखिए ये तर्कपूर्ण मैथड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है ये स्टेप। और इसमें क्या होता है, मान लीजिए यू आर डेमोन्स्ट्रेटिंग द प्रोसेस ऑफ प्लांटिंग अ सैम्पलिंग इन द पॉट, आप बता रहे हो कि गमले में किस तरीके से एक पौधे को लगाया जा रहा है, प्रदर्शन कर रहे हो बच्चों को दिखा रहे हो। तो यू आर डेमोन्स्ट्रेटिंग हाउ द सॉइल इज मेड पाउडरी, लेकिन आप ये भी बता रहे हो कि बच्चों को कि जो सॉइल है उसको कैसे भुरभुरा बनाया जाता है एंड ऐसा क्यों किया जाता है, व्हाई इट इज़ नेसेसरी, यू आर आस्किंग क्वेश्चन अबाउट दिस, आप ऐसा क्वेश्चन भी कर रहे हो। एट द सेम टाइम यू आर गिविंग देम एग्जाम्पल ऑन द बेसिस ऑफ योर एक्सपीरियंस, और उसी समय आप उदाहरण भी दे रहे हो अपने एक्सपीरियंस अपने अनुभव के आधार पर, जो भी आपने सीखा है उसको उदाहरण भी दे रहे हो, तो आप ये चीज़ें कर रहे हो, तो ये इसमें आता है। ठीक है, संबंध स्थापित कर रहे हो। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे हम प्रैक्टिकल मेथड। प्रैक्टिकल मेथड में आपका मतलब होता है प्रयोगात्मक विधि। तो इस विधि में स्वयं नई परिस्थितियों में अपने प्रीवियस एक्सपीरियंस के आधार पर लर्निंग बाय डूइंग सीखने के सिद्धांत पर बल दिया जाता है, यानी कार्य करके सीखा जाता है, जो भी आपके पूर्व ज्ञान है पूर्व अनुभव उसके आधार पर किसी सिचुएशन में आप किस तरीके से काम कर रहे हो वो होता है। तो इसमें क्या होता है, इसमें जो आपकी ज्ञानेंद्रियाँ होती है, जो साइबो सेंसरी होती है, मोटर सेंसेस होती है, सब एक्टिव होती हैं, सक्रिय रूप से काम करती हैं। और जहाँ भी सक्रिय रूप से आपकी सारी इंद्रियाँ कार्य करती हैं ऑब्वियसली आप वहाँ पर ज़्यादा सीखते हो। द स्टूडेंट्स वर्क एज अ रिसर्चर बिकॉज लर्निंग बाई डूइंग इज इम्पॉर्टेंट इन प्रैक्टिकल मैथड। तो यहाँ पर स्टूडेंट जो होते हैं कि रिसर्चर की तरह काम करते हैं, क्योंकि इसमें लर्निंग बाय डूइंग है ना, तो रिसर्चर की तरह काम करते हैं और करके सीखते हैं बच्चे। सम ऑफ द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ दिस मेथड आर एज फॉलोज। तो यहाँ पे कुछ प्रिंसिपल हैं इसके जो ये आपको याद करने हैं। तो इसमें लर्निंग बाय डूइंग यानी जब बच्चा करेगा खुद सक्रिय रूप से उसमें भागीदार मतलब भाग लेगा तब वो सीखेगा, तो करके सीखना होगा। एक्टिवनेस ऑफ स्टूडेंट, इसमें बच्चा क्रियाशील हो एक्टिव होना चाहिए। अब ऐसा नहीं है जो बच्चा इंटरेस्ट ही नहीं ले रहा तो वो कैसे एक्टिव होगा, तो ये ध्यान देना है। साइकोलॉजिकल हो, मनोवैज्ञानिकता का मतलब ये है कि बच्चा उसमें इंटरेस्ट ले, उसकी क्यूरियोसिटी जगे उसमें, वो क्यूरियस हो मतलब वो इंटरेस्ट ले और जिज्ञासा हो उसमें, तो वो साइकोलॉजिकल के अंदर आता है। साइंटिफिक मतलब वो खोज करने की उसमें प्रवृत्ति हो, तो ये इसके प्रिंसिपल है, इस पर ये काम करता है। नेक्स्ट है प्रोजेक्ट मैथड।
यानी योजना विधि। इसके अंतर्गत विद्यार्थी किसी समस्या कार्य विशेष को लेकर स्वयं उद्देश्य निर्धारित करते हैं, वे स्वयं ही योजना बनाते हैं और उद्देश्य की प्राप्ति हेतु क्या संसाधन होंगे, क्या तकनीक होगी, कितने समय में कार्य पूरा कर लिया जाएगा, ये सब खुद ही सोचते हैं। जैसे आपको प्रोजेक्ट दिया जाता है स्कूल में, तो उसमें आपके आपको कोई भी कार्य समस्या बता दी गई, उसका उसको लेकर आप स्वयं ही उसका उद्देश्य निर्धारित करते हो, उसका उसकी प्लानिंग करते हो, उसको क्या करना है, कैसे करना है, ये सब आप चीज़ खुद ही करते हो। तो योजना क्या होता है, यानी प्रोजेक्ट क्या होता है, इसके बारे में किलपैट्रिक ने भी बताया है कि प्रोजेक्ट मेथड इज़ अ पर्पजफुल एक्टिविटी कंप्लाइज्ड विद द कंप्लीट एनवायरनमेंट इन सोशल एनवायरनमेंट। यानी योजना क्या, एक सामाजिक वातावरण में पूर्ण संलग्नता के साथ संपादित की जाने वाली सो उद्देश्य क्रिया होती है, ऐसा किलपैट्रिक ने बोला था, ये स्टेटमेंट याद कर लीजिए। उसके बाद आते हैं स्टीवेंसन ने क्या कहा था, जे ए स्टीवेंसन ने, कि प्रोजेक्ट मेथड इज़ अ सच अ प्रॉब्लमैटिक प्रोसेस विच इज़ कम्प्लीटेड इन नेचुरल एनवायरनमेंट। मतलब प्रोजेक्ट मेथड एक समस्यात्मक प्रक्रिया होती है, मतलब कोई समस्या होगी उसका उद्देश्य आप खुद निर्धारित करोगे, जो कि एक नेचुरल जो भी प्राकृतिक एनवायरनमेंट है, जो प्राकृतिक वातावरण, उसमें कंप्लीट किया जाता है। वेस्ले ने क्या कहा था कि योजना वे समन्वित क्रियाएं हैं जो किसी संपूर्ण दक्षता, जो भी स्किल्स हैं या प्रक्रिया को सीखने के लिए प्राकृतिक वातावरण में पूरी की जाती हैं। तो प्रत्येक योजना पद्धति किसी उद्देश्य विशेष को प्राप्त करने की दृष्टि से ही किया जाता है, ऐसा आपको पता होना चाहिए। तो ऑब्जेक्टिव्स क्या, जो ऑब्जेक्टिव होता है, उद्देश्य क्या है, द ऑब्जेक्टिव आर फॉर्म्ड कीपिंग इन व्यू दैट स्टूडेंट सोशल कल्चरल लाइफ देयर इंडिविजुअल डेवलपमेंट सोशली अप्रूव्ड हैबिट्स एंड बिहेवियर डेवलपमेंट ऑफ बिलीव्स। तो जब भी ऑब्जेक्टिव निर्धारित किया जाता है प्रोजेक्ट है, ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है कि बच्चे किस कल्चरल एनवायरनमेंट से आते हैं या फिर उनका डेवलपमेंट कैसा हो रहा है, सोशली जो भी आप प्रोजेक्ट दे रहे हो, जो बच्चे कर रहे हैं वो सोशली अप्रूव्ड होना चाहिए। तो वेरियस एक्टिविटीज़ आर ऑर्गेनाइज इन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्टिव, तो उसी उद्देश्य पर बहुत सारी एक्टिविटीज़ ऑर्गेनाइज की जाती हैं। तो विद्यार्थी को अपने वास्तविक सामाजिक वातावरण में ही गतिविधियों को कार्यान्वित करते हैं, अपने जो भी इन्वायरमेंट है वहीं पे करते हैं, आसपास कम्युनिटी में ही करते हैं। तो कार्य के दौरान वे सामाजिक रूप से वांछनीय मूल्यों का भी विकास करते हैं। कार्य के संपादन के बाद उनमें निश्चित अभिवृत्ति, जो भी एप्टीट्यूड है, स्किल्स का भी विकास होता है। इसके सोपान क्या क्या होते हैं, एलिमेंट्स क्या होते हैं, तो टू सेट द गोल, पहले आपको उद्देश्य बनाना है, उसके बाद आपको प्लानिंग करनी है, फिर आपको कार्यान्वित करना है, क्रियान्वित करना है, उसको एग्जीक्यूट करना है, फिर उसका इवोल्यूशन करना है, ठीक है। नेक्स्ट भ्रमण विधि की बात करेंगे हम, इसको एक्सकर्जन मेथड भी कहते हैं या भ्रमण विधि कहते हैं। तो भ्रमण विधि आपको पता है कि विद्यालय के अंदर चार दीवारी के अंदर रह के बच्चा कभी कभी बोर भी हो जाते हैं, नीरस हो जाते हैं, तो ऐसा आपको क्या करना है कि आप बाहर भी फील्ड ट्रिप पे लेके जाओ, तो वही भ्रमण होता है। तो इसका एडवांटेज क्या होता है, इसका क्या क्या लाभ होता है देख लेते हैं। तो जिस विषय की सैद्धांतिक चर्चा कक्षा में जो थ्योरी है आप पढ़ा रहे हो, तो उसका बच्चों को व्यवहारिक ज्ञान भी हो, इसके लिए आवश्यक है कि आप भ्रमण विधि इस दिशा में हो कि महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सके। तो आप उस सब्जेक्ट से, मान लीजिए हिस्ट्री आप पढ़ा रहे हो, तो आप किसी भी हिस्टोरिकल प्लेस पे बच्चों को विजिट करा सकते हो। तो भ्रमण करने पर विद्यार्थियों को की अवलोकन करने की क्षमता भी विकसित होती है। भ्रमण के दौरान वे कार्य को वास्तविक स्थिति में होता हुआ भी देखते हैं, वस्तु का यथास्थिति में अवलोकन भी करते हैं। मान लीजिए कृषि से रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं, खेती कैसे होती है, आप जाके दिखा दोगे बच्चों को, बच्चे ऑब्जर्व करेंगे और बहुत कुछ सीखेंगे, उसकी रियल मतलब जो भी व्यवहार प्रैक्टिकल चीज़ें वो सीख जाएंगे। भ्रमण द्वारा प्राप्त ज्ञान स्थायी होता है क्योंकि इसमें विद्यार्थी की सक्रिय भागीदारी होती है, जहाँ पे आपके ज़्यादा सेंसेस एक्टिव होते हैं आप ज़्यादा सीखते हो, ठीक है। नेक्स्ट है, भ्रमण के दौरान विद्यार्थी को समूह में कार्य करने का अवसर भी प्राप्त होता है। तो भ्रमण के माध्यम से विद्यार्थी इस बात की भी समझ विकसित होती है कि दूसरे स्थानों पर किस प्रकार व्यवहार करना चाहिए, लोगों से किस तरह संवाद स्थापित किया जाए आदि, ये सब चीज़ें सीखते हैं। मान लीजिए किसी पोस्ट ऑफिस विजिट करा दिए, आपने पढ़ा होगा कि ये एज अ सप्लीमेंट्री की तरह काम करता है। आप किसी जगह लेके गए जहाँ पे बच्चे सीखेंगे, कम्युनिटी जहाँ पे हो, तो ये सब चीज़ें सीखेंगे, तो वहाँ पे कैसे व्यवहार करना है ये बच्चा भी सीखेगा। तो आप, आई होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही होगी, और नेक्स्ट जो टॉपिक होगा हम थर्ड वीडियो में देखेंगे। एंड वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।